नमस्कार, इंडिया डिबेट के साथ मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं। दोस्तों, पूरी दुनिया में तहलका मच गया है और उस तहलके का असर यह हो रहा है कि ये जो एक वेव पैदा करने वाले थे कुछ खिलाड़ी, आपने देखा होगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह, सात, आठ, दस, बीस, पच्चीस माइकों का तांता लगा हुआ था, गन माइक का। टेलीविजन चैनल्स के कैमरे फॉलो कर रहे थे, हाई लेवल मीटिंग होने लगी थी, इंक्वायरी बिठने लगी थी, मंत्री जी अपने मंत्रालय से बाहर निकल के हॉस्पिटल दर हॉस्पिटल जाने लगे थे और मीडिया में संपादकों ने मोर्चा संभाल लिया था कि अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री फलाने हॉस्पिटल जा रहे हैं, अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री फलाने हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और अब हॉस्पिटल से लौट करके हाई लेवल मीटिंग हो रही है। हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई, प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया गया है, नया वेरिएंट आ गया, हां फलाने ऑर्गेनाइजेशन ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर कर दिया है, चाइना से खबरें आ रही हैं, मौतों का अंबार लगा हुआ है, श्मशान घाट में लाइनें लगी हुई हैं। फैब्रिकेटेड न्यूज स्टोरी दिन रात चलना शुरू हो गया था दिसंबर के मध्य से लेके दिसंबर के आखिरी सप्ताह में, और बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजर, विशेषज्ञ, डोमेन एक्सपर्ट टेलीविजन स्टूडियो में बैठ करके बोलना शुरू कर दिए थे, वेरिएंट ऑफ कंसर्न आ सकता है, चाइना से जो खबरें आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं, और चाइना की खबर से हम सबको बिल्कुल भी अलर्ट मोड में रहना चाहिए। बड़े बड़े डॉक्टर्स, डेकोरेटेड डॉक्टर्स टेलीविजन स्क्रीन पे, बड़े बड़े लंबे लंबे स्क्रीन पे डॉक्टर्स बैठ करके एंकर से बात कर रहे हैं। हालांकि बेचारे एंकर जानते हैं कि ये क्या बात करेंगे, उन्हें कहा गया है कि यही सब सवाल पूछना है, वो सवाल पूछ रहे थे, और हमारे सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स कह रहे थे हमें डरने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है, और देखिए खतरनाक हो सकता है, एक टीका ले लिया, दो टीका ले लिया, तीन टीका ले लिया, इसका कोई मतलब नहीं है, एकदम से मुंह को पैक करके चलिए, दो गज दूरी बना करके चलिए, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए, नहीं तो घर में कैद रहिए। ये पूरा का पूरा ड्रामा चला, लेकिन जैसा दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे ये ड्रामा चलेगा वैसे वैसे हम आपको खबरदार करते रहेंगे, हम आपको होशियार करते रहेंगे, और मैं आपके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं कि आप इस बार होशियार रहे, हम अपनी हैसियत के हिसाब से आपको होशियार करते रहे, और आपने हमारे ऊपर भरोसा किया, और उस भरोसे की वानगी यह है कि अब दुनिया भर में कोहराम मच गया है,